राम राम दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल द किचन खजाना में आपका स्वागत है। तो आज बनाने जा रहे हैं करेले, जो देसी माना गया है इसको, और बहुत ही टेस्टी बनता है। गर्मियों में खासतौर पर इसका बहुत ही महत्व है। और इसको हम बना रहे हैं चने की दाल के साथ, जिससे ये कड़वा हमारा कम लगेगा। और ये हमने दाल भिगो दी थी 2-3 घंटा पहले, तो हमारी फूल की दाल इतनी हो चुकी है। हमने ली थी 150 ग्राम दाल, और करेला हमारा 1 किलो है, और हमने 3-4 प्याज काट लिए बड़ी बड़ी। ये हमने सौंफ और ये जीरा पाउडर है हमारा बना हुआ, ये अमचूर पाउडर है, और ये हमारी कुछ लाल मिर्चें कटी हुई, जिससे हमें टेस्टी और चटपटापन अच्छा मिलेगा। हमने एक कटोरी ऑयल लिया है, तो थोड़ा गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका हमारा, तो पहले हम अपना करेला भूनेंगे, जिससे अच्छे से भुन जाए। अगर हम प्याज पहले डालेंगे तो हमारा करेला कच्चा रह जाएगा। हल्का ब्राउन कर लेंगे करेले को। करेला और चने की दाल बच्चों को बहुत पसंद आती है, क्योंकि उससे कड़वा जो करेला हमारे में कड़वापन है वो कम हो जाता है बिल्कुल। और चने की दाल जो बहुत पौष्टिक होती है, बच्चों के लिए फायदेमंद भी है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना का दौर चल रहा है, कोरोना के लिए ये इम्यूनिटी पावर को मजबूत करता है हमारी। और सबसे बड़ी बात है, हम 2-3 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, बना के अपने घर में रख सकते हैं फ्रिज के अंदर, और 2-3 दिन तक अपना टेस्ट के हिसाब से देख सकते, थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं इसको। इसको 4-5 मिनट के लिए हम इसको पकने के लिए रख देंगे, लाल होने देंगे इसको थोड़ा, और बीच बीच में चलाते रहेंगे कि हमारा करेला जल ना जाए। करेला हमारे भुन चुके हैं, तो सब प्याज ऐड कर रहे हैं। इसको हल्का से 2 मिनट तक पकने देंगे सिर्फ, प्याज को 2 मिनट तक पकने देंगे हम। इसमें हमने जो लाल मिर्च काटी है इनको भी ऐड कर देंगे, ये हमारे बिल्कुल सूखी मिर्च की तरह लगेंगी, ये लोग पक जाएंगी। और इसमें हम चने की दाल ऐड कर देंगे, इसको टाइम लगेगा पकने में। इसको गंदी बंदी आँच में पकने देंगे लंबे समय तक, अभी इसमें मसाले डालेंगे हम। एक छोटी चम्मच हमने हल्दी ली है, डेढ़ चम्मच इसमें नमक डालेंगे, एक चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। ये हमारी सौंफ और भुना हुआ जीरा, अमचूर हम बाद में डालेंगे, और मिर्च भी थोड़ी देर बाद डालेंगे कि धक्का ना उठे हमारी, क्योंकि सब्जी हमारी सूखी है। इनको हम पकने देंगे मसालों को अच्छे से। करेला और दाल हमारी पक चुकी है, ये देखो इनको। तो फिर मिर्च डाल देंगे हम अपनी थोड़ी, करेला मिर्च कम ही रखेंगे। छोटी चम्मच डाल रहे हैं एक, हम इसमें आमी भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास फिलहाल आमी नहीं है, तो हम इसमें अमचूर पाउडर डाल रहे हैं 1 चम्मच। हमने इसको 10-15 मिनट पका लिया है, और इसको हम 2 मिनट तक और पकने देंगे कि हमने अमचूर डाला है और मिर्च डाली है, ये हमारे पक जाए थोड़ा सा, इसमें अच्छे से मिल जाए। उसके बाद हमारी सब्जी तैयार है करेले की। तो दोस्तों, हमारे चने की दाल करेला हो गया तैयार। आप भी अपने घर पर ट्राई करें और हमें बताएं कि हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें, और आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।
राम राम दोस्तों।